विदेश मंत्रालय वालों जारी नवे बयान मुताबिक 20,000 तो ज्यादा भारतीयों नूं यूक्रेन तो वापस लिया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत कुल 48 फ्लाइट्स के जरिए 10,000 तो ज्यादा भारतीयों नूं वापस लिया जा चुका है और अगले 24 घंटों दौरान 16 होर फ्लाइट्स नूं शेड्यूल किया गया ताकि सुरक्षित जो विद्यार्थी इस वेले यूक्रेन च फसे हुए ने उन्होंने वापस लिया जा सके। भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है। विदेश मंत्रालय वालों जारी नवे बयान मुताबिक जो तो भारत सरकार के वालों पहली एडवाइजरी जारी की गई है उस तो बाद हुण तकर 20,000 तो ज़्यादा भारतीयों नूं यूक्रेन तो वापस लिया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत 48 फ्लाइट्स के जरिए हुण तकर यूक्रेन तो लगभग 10,348 भारतीय विद्यार्थी भारत वापस पहुँच चुके हैं। अगले 24 घंटियां दे लई भी 16 होर उड़ाना शेड्यूल कीतियां गईयां ने जो कि यूक्रेन च फसे विद्यार्थियों नूं वापस लेके आउणगियां। डॉक्टर बनण दा सुपना लेके हजारां ही विद्यार्थी यूक्रेन गए हुए सन जिन्हां नूं हुण वापस लियाउण दीआं कोशिशां जारी ने। देश की धरती ते पैर रखण तों बाद विद्यार्थियों दे वल्लों भारत सरकार दा धन्नवाद कीता गया है ते उन्हां दे चेहरे दे उत्ते खुशी साफ तौर ते नजर आ रही है। गलबात करते हुए विद्यार्थी खौफनाक मंजर के बारे जरूर गल करते हैं कि किस तरह यूक्रेन के हालात बद तो बदतर हो चुके ने। I crossed the Romanian border from Ukraine. The situation at the border is really very terrifying and horrible. And I will request that we should take all the students out from there as soon as possible because it is really very horrifying there. It was quite good actually, and at Romanian border the people were also very good. They helped us a lot, and I was expecting that they will evacuate all the students from there as soon as possible. I just keep waiting for my call that when will I get my flight tickets, and just I was waiting for 3 to 4 days in the shelter. Yeah, embassy helped a lot. They were just helping us like in a different ways. They're just late time. Yeah, but that was a late. यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਨਿਸ਼ ਆਰਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੇਟ ਸੇ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਮੈਂ ਵਿਨਿਸਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 4th ਇਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਬ ਸੇ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁਆ 24 ਤਾਰੀਖ ਸੇ, ਤਬ ਸੇ लेके 27-28 तारीख तक ट्रोमेटाइज कंडीशन में रहा हूँ, और उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, किसकी गलती है किसकी नहीं है वो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैं बच के आ गया। स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि हम लोग विनिसिया से निकले हैं तो वो सेल्फ से बस वगैरह करके हम लोग निकले बॉर्डर तक। बॉर्डर पर आके हमने इतनी परेशानी झेली है, बॉर्डर से आके हमने इतनी परेशानी झेली है कि उसका कोई, आप किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हो, वो यही बोलेगा कि बॉर्डर क्रॉस करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हम लोगों को नहीं पता, ना हम लोगों को मालूम करने का है कौन रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद रोमानियन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत ज़्यादा स्वागत किया है, उन लोगों के लिए थैंक्स वर्ड भी कम है, इतना ज़्यादा उन लोगों ने किया हमारे लिए। रोमानियन गवर्नमेंट ने हमारा जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल, और उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट ने हमको यहाँ तक पहुँचाया उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब ये बताया नहीं जा सकता कि कैसा फील कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। बस इतना इतना मान लो कि मैं बहुत बड़ा जंग लड़के हम लोग आ रहे हैं, जितने भी बच्चे आए हैं सारे के सारे बच्चे जंग लड़ के आए हैं, सारे के सारे। उधर यूक्रेन के पोलतावा तो वापस परती वैशाली ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है और बाकी फसे हुए विद्यार्थियों नु भी जल्द यूक्रेन तो बाहर कढ़ने की अपील की है। माय नेम इज वैशाली एंड आई केम फ्रॉम पोलतावा यूक्रेन, एंड आई फील वेरी गुड दैट अवर इंडियन गवर्नमेंट हैज टूक अस सेफली हियर, एंड आई रिक्वेस्ट अवर गवर्नमेंट टू प्लीज लुक इनटू द ईस्ट साइड कंट्रीज, द खार्किव एंड कीव स्टूडेंट्स, दे आर रियली स्टक देयर एंड दे नीड हेल्प। Journey was very difficult, like the transportation was not there to east side, so I booked a bus and I came at my risk, me and my friends. Then after border our embassy took us, but journey was very difficult,
एंड इट्स लाइक आई सेड टू गॉड लाइक इवैक्यूएट एवरीवन। बॉर्डर तक पहुंचना कितना औखा है वो भी विद्यार्थी बयान कर रहे हैं। My medical university, the problem is it was in somewhat safe site, so they were asking us to leave before itself, so we didn't have further issues. But in other places like Kharkiv and all, they have like blast, so the students keep on running to the shelter, so it was very difficult. Even though we didn't have, we had many kind of alarms, so we have to keep on running to basements. So it's very difficult for students like in universities of Kharkiv and Sumy, because after a long time it's very difficult for them to get food supplies and all. ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। I'm very excited to go back home. Finally, it's all over, and I hope everybody is safe. And people who are still in Kyiv and Kharkiv, I hope them they'll be safe too very soon. After a long time, like I've been away from my hostel for like a week now, so we were really waiting like when we will go back, because we were hearing that other countries are having a lot of flights, but we like literally had to wait. So now I'm really relieved that I'm finally going. We are actually very excited, because and we are very fortunate to be the citizen of India, because only India is a country who is evacuating its children. No other countries is doing such things, so I'm very excited. I feel very proud to my country, like the embassies and other people are very helpful to us. And अगले 24 घंटियां च 16 होर फ्लाइट्स दे जरिए यूक्रेन च फसे विद्यार्थियों नु भारत सरकार वापस लेण दी गल आख रही है, पर जो हालात इस वेले यूक्रेन दे विच बने हुए ने ओ वाकई इस वेले डराउण वाले ने। बुलेटिन च वेला इक होर छोटे जे ब्रेक दा हो गया, ब्रेक तो बाद भी खबरां दा सिलसिला जारी रहेगा। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ABP ਸਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪਲੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1929 ਤੇ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂੰਨ।